नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये प्रतियोगिता दर्पण की मैं मैगजीन कर रहा था और इसमें अक्टूबर से लेके पूरी फरवरी के एंड तक की समरी है, प्लस मार्च की भी समरी है जो जीन राठौर जी जल्दी ही देंगे। तो वो भी हम लोग इसी को पार्ट में, एक्चुअली सीरीज में बना रहे हैं, तो उसी को पार्ट में कर लेंगे। वो भी अभी अभी तो फरवरी 2018 तक की है, एक अक्टूबर से लेके अब। इसमें मैं वो पहला वीडियो बना रहा था और काफी देर तक मैं बोलता चला गया और वो एक्चुअली पॉज हो गया था, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो पहला वाला मैंने पार्ट दिया था, अब चलो सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। हार्वे तूफान के बारे में बता रहा था। मैं कह रहा था कि एक्चुअली ना साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे ये हरिकेन नेम होता है इसका अटलांटिक में, ईस्ट पैसिफिक ओशन में, वेस्ट और नॉर्थ पैसिफिक में फिलीपींस बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं इसको इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है, नहीं सॉरी, टाइफून बोलते हैं फिलीपींस और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, और इंडिया और साउथ पैसिफिक में बोलते हैं इसको साइक्लोन। अच्छा, विली विली कहाँ बोलते हैं जल्दी से बताइएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा थी शेर बहादुर देवा, इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, जरूर याद रखिएगा। इंडिया जो इस समय नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी हैं, और ये आए थे 8 डिफरेंट एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर। 1950 में भारत नेपाल से शांति और मैत्री संधि हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं कौन, केपी ओली। ये कुछ इकोनॉमिक न्यूज है, काफी देर मैंने इसमें उस वाले वीडियो में बताया था, लेकिन अब सब फिर से बताना पड़ेगा। चलो फिर भी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि फोर्थ एस्टिमेट आया था 16 अगस्त 2017 को, 2016-17 का। तो देखिए, दोनों का एक्चुअली डेटा ही अजय जैन राठौर जी ने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक इनसे ये मिस्टेक हुई है। दालों का प्रोडक्शन 26.26 मिलियन टन नहीं था, ये करीबन था, अभी भी 26 नहीं हो पाया एक्चुअली। देखिए, ये है 2016-17 का पीआईबी का डेटा और ये है आपका 2017-18 का। दोनों की मैंने पिक यहाँ पर कर दी और एक साथ हम लोग कर लेते हैं। देखिए, फूड ग्रेन का अभी तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ था 2016-17 में, फोर्थ अगर एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से देखेंगे, 275.68 मिलियन टन। राइस का 110, वीट का हुआ था 98, कोर सीरियल 44 मिलियन टन हुआ था। ये एक्चुअली एस्टिमेट था और ये अगर आप देखें तो ये 2016-17 का ये फाइनल डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 2017-18 का भी आ गया है अब। तो ये पूछ सकते हैं आपसे 2016-17 का कि ऑयल सीड में हाईएस्ट की मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ, 32.1 मिलियन टन। ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का किसका होता है, सोयाबीन, और फिर उसके बाद ग्राउंड नट, फिर रेप सीड, ठीक है। नंबर वन पे सोयाबीन का प्रोड्यूसर कौन है जल्दी से बताइए आप। कॉटन का प्रोडक्शन कितना हुआ था, 33.09 मिलियन बेल्स, 170 किलो की एक होती है। शुगर केन का 306.72 मिलियन टन और कोर सीरियल का 44.19 मिलियन टन। ये है लेटेस्ट डेटा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का। 2017-18 का जो एस्टिमेट निकल रहा है वो 2016-17 से भी ज्यादा निकल रहा है, 277.5 मिलियन टन तक प्रोडक्शन हो जाएगा, अभी तक का हाईएस्ट है ये, ठीक है। राइस का अगर आप देखेंगे तो 111 है, वीट का 97 है, कोर्स ग्रेन का 45 हो गया है, पल्सेस का 23.95, मतलब 26 तो अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, 24 मिलियन टन तक हो गया। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यही चारों आते हैं, राइस, वीट, कोर्स ग्रेन और पल्सेस। ऑयल सीड जो है उसमें 9 तरीके के ऑयल सीड होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो सोयाबीन का प्रोड्यूसर है जल्दी से बताइए, कॉटन इस समय है 33.92 मिलियन टन, शुगर केन का है 353। अच्छा, एक बात ये देखिए, 2017-18 का जो एस्टिमेट आया है पहला, ये मार्च की ही खबर है, ठीक है, इसमें सिर्फ वीट का प्रोडक्शन और ऑयल सीड का घटा है, बाकी सबका बढ़ा है, शुगर केन का तो 15% बढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। तिलहन का याद रखिएगा, 32.1 मिलियन था 2016-17 में, लेकिन अब और घट गया है, गन्ने का बढ़ गया है अब काफी। फिर ये है 2016-17 में हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन हुआ था वो भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, थर्ड एस्टिमेट आया था। और देखिए, एरिया में वृद्धि हुई है 2.6% की और प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ है, 4.8%। टोटल जो अगर आप देखेंगे बागवानी प्रोडक्शन कितना हो गया, 300 मिलियन टन हो गया करीबन। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फल, सब्जियां, मसाले और फूल, ठीक है, चार चीजें आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, तो 300 मिलियन टन। अच्छा, यहाँ से ये बताइए कि मैंने एक आपको वीडियो दिया था एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेंसस का जो पूरा समरी, इंडिया में सबसे बड़ा फलों का प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा स्टेट है, सबसे बड़ा सब्जियों का प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा ज्यादा मतलब सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ पे होता है, और सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन कहाँ पे होता है, सब बता चुका हूं मैं। नोटबंदी हुई थी आपकी 8 नवंबर 2015 को, उसके बाद 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, 98.96% वापस आ चुके हैं। एक्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया था अभी सीएचएसएल में कि कितने पैसे वापस आए, करीबन 15.44 लाख करोड़ आए और अभी भी 16,000 करोड़ वापस चल रहे हैं, सिस्टम में ही है, मतलब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं।
और ये देखिए ज्यादातर जो पैसा है मंदिर अंदिर में फंसा हुआ है, तिरुपति मंदिर में अभी मैं देख रहा था एक न्यूज, तो उसमें काफी पैसे फंसे हुए हैं। नीति आयोग के नए अध्यक्ष हो गए राजीव कुमार जी, और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष सॉरी उपाध्यक्ष हो गए हैं, वाइस चेयरमैन हो गए हैं, ये जो होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्ट्रियल पोर्ट के इक्विवेलेंट होती है इनकी। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। अभी तक इंडिया में 5 ईयर प्लान चलते थे, अब ये खत्म कर दिए जाएंगे, 12वें वाले प्लान 12 तक हुए हैं अभी। अब आएगा क्या, 15 साल का विजन यानी कि दृष्टिकोण, 7 साल की स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति, 3 साल की कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान नीति आयोग द्वारा तैयार की जा रही है। देखते हैं कि कैसा इसको कैसे मतलब बेनिफिट मिलता है इसको, इससे इंडिया को। हालांकि एक शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान भी होना चाहिए था, करीबन हर साल तो एक बार रिपोर्ट होनी ही चाहिए कि कैसी सरकार परफॉर्म कर रही है ये सब चीजों पे। देखिए इंडिया में जो टैक्स पेयर्स का नंबर काफी बढ़ गया है, अब हो गया है 4 करोड़ से करीबन 6.26 करोड़। सीबीडीटी का डेटा है ये। इंडिया में बताइए 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 6 करोड़ लोग देते हैं टैक्स, बाकी सब डिपेंडेंट है। मतलब वो वैसे इसको ये भी देखा सकता है क्योंकि बच्चे भी हैं, करीबन 13% तो बच्चे ही हैं, लेकिन बाकी जैसे गरीबी का काफी ज्यादा है, तो कई सारे लोग तो एक्चुअली हैं ही नहीं इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और देखिए ये जैसे एक एलपीजी सब्सिडी के लिए गिवी अप स्कीम चलाई गई थी, अब कह रहे हैं कि एलपीजी और केरोसिन पे स्टेप वाइज पूरी सब्सिडी खत्म कर देंगे। एलपीजी का टारगेट था मार्च 2018 तक का, 4 रुपए पर सिलेंडर बढ़ाएंगे हर महीने, और केरोसिन का है 7 रुपए पर लीटर है, तो इस समय चौनी चौनी बढ़ाएंगे आपकी हर पखवाड़े में, 14 14 दिन में, ठीक है, फोर्टनाइटली में इसमें। लेकिन ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, तो फिर कह रहे हैं कि नहीं अब तो 2019 तक हो पाएगी, फिर कह रहा है कोई और न्यूज देखी तो 2022 तक हो पाएगी, तो काफी सारी चीजें इसमें चलती रहती हैं। 200 रुपए के नोट इंडिया में सबसे पहली बार अभी स्टार्ट किए गए हैं। सांची स्तूप इसमें बना हुआ है एक तरफ, देखा होगा आपने, ठीक है, येलोइश कलर का है थोड़ा सा, और सांची स्तूप है कहाँ पे जल्दी से बताइए। नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है भारत 22, तो ये पूछ सकते हैं कि भारत 22 है क्या, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, 22 कंपनियां हैं, ये कुछ सामान्य ज्ञान है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए। सोहेल मोहम्मद भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त हैं। हसन रूहानी को फिर से मिल गया है ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल दूसरी बार, मजलिस जो है ये ईरानी संसद को बोलते हैं। फिर ये पाउल कगामे, ये रवांडा के राष्ट्रपति हैं, तीसरा मिल गया इनको, थर्ड टर्म मिल गया। एस अपर्णा, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जो बैंक है वर्ल्ड बैंक में निदेशक मंडल में भारत की ओर से ये मनोनीत कार्यकारी निदेशक हैं। इंडिया के अलावा ये रिप्रेजेंट करेंगी बांग्लादेश भूटान श्रीलंका का। देश दीपक वर्मा को राज्यसभा का नया सेक्रेटरी बना दिया गया है। दीपक मिश्रा जो है इंडिया के 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यहां से एक क्वेश्चन ये बताइए कि इंडिया के जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, वो कितने नंबर के हैं, प्रधानमंत्री जी कितने नंबर के हैं, ये पूछा जा सकता है। और हमारे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट कितने नंबर के हैं, वो मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। और दूसरी बात कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो कितने नंबर के हैं। अश्विनी लोहानी ये है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, कानपुर के ही हैं ये। उसके बाद राजीव गाभा को बनाया गया है होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैग बन गए इस समय राजीव महर्षि, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो टर्म होता है कितना होता है, 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले आता है। प्रसून जोशी जो हैं ये सीबीएफसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ये 28th चेयरपर्सन है। देखिए ये लोग कई बार पीसीएस वाले या फिर एसएससी वाले बड़े बदमाश होते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर के हैं, और मतलब कई बार तो ये लोग इतनी ज्यादा हद पार कर देते हैं कि ये तक पूछ लेते हैं कि ट्रंप ने किस डेट को डिक्लेयर किया था कि जो इसराइल की राजधानी होगी वो जेरूसलेम होगी। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए आप, इसीलिए जनरली मैं ये सब चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ। प्रसून जोशी 28th चेयरपर्सन है, याद रखिएगा। ये कुछ ये दिए हुए डे इंपॉर्टेंट, 1 से 7 तक हुआ था विश्व स्तनपान सप्ताह, तो याद रखिएगा 1 से 7 अगस्त तक। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 2 अगस्त को मनाया गया था अर्थ ओवरशूट डे, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था आपका 19 अगस्त को। 29 को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, क्यों मनाया जाता है 29 तारीख को, जल्दी से बताइए। आई डू वॉट आई डू, रघुराम जी राजन की बुक है ये राजीव गांधी खेल रत्न से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। हालांकि राजीव गांधी जी कोई सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे इंडिया के, लेकिन फिर भी राजीव गांधी जो खेल रत्न है वो हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स फील्ड में। 2017 में मिला है देवेंद्र जाजरिया को, पैरा एथलीट है। सरदार सिंह को हॉकी के है ये।
उसके अलावा ये देखिए हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है, ये पहली बार 1991 में दिया गया था और सबसे पहले विनर थे विश्वनाथन आनंद। कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, रट लीजिए थोड़ा सा। अजू अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था पहले वाले पार्ट में, उस नहीं सॉरी मतलब स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय खेल सम्मान 2017 वाला राजीव गांधी खेल रत्न, अभी मैंने आपको बताया, देवेंद्र झाझरिया पैरा एथलीट है और ये सरदार सिंह हॉकी के हैं। पहला सम्मान 1952 में मिला था विश्वनाथन आनंद को। खेल रत्न जो पुरस्कार होता है आपका, 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब लास्ट 4 साल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया तो किया जाता है। कटाई जहर, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हर उसमें लिखते हैं कटाई जहर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टर्म, इसलिए मैंने बोला इसको। तो कटाई जहर अगर आप प्रोडक्ट अपना करेंगे ये प्रदर्शन, तब मिलेगा आपको खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2017 में 5 लाख रुपए है, 17 खिलाड़ियों को मिला है। देखिए ये लिस्ट या रट लीजिएगा एक बार, थोड़ा देख जरूर लीजिएगा एक बार, 17 खिलाड़ियों की लिस्ट तो मैं यहाँ पे चलो दिखा देता हूँ। देखिए भैया ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यही देते हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, एक साथ देख लेते हैं सब कुछ। सबसे बड़ा अवार्ड तो आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न है, और फिर अर्जुन अवार्ड दिया जाता है आप कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस के लिए 4 सालों में, कटाई जहर परफॉर्मेंस करेंगे तब मिलेगा आपको। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है कोचेस को दिया जाता है, ध्यानचंद लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये कुछ अवार्ड है। इसके लिए देखिए कमिटी बनाई गई थी इस बार, सिलेक्शन कमिटी राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए, जिसको कि चीफ किया था किसने, सीके ठक्कर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछ सकते हैं आपसे। राजीव गांधी खेल रत्न तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 2 हैं। द्रोणाचार्य के लिए 7 की लिस्ट है, डी आर गांधी है ये, सॉरी आर गांधी है, हीरा नंद कटारिया है, जीएसएसवी प्रसाद है, ब्रजभूषण मोहंती हैं, पीए रफेल है, संजय चक्रवर्ती और मिस्टर रोशन लाल, ये अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट है। 17 लोग हैं। देखिए इसमें अब 17 लोग को तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा हैं, ये क्रिकेट के हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट से मिला है, उसके बाद और भी लोग हैं, मरियप्पन हैं, इनको मिला है पैरा एथलीट, वरुण सिंह भाटी इनको पैरा एथलीट में मिला है, फिर ये पीएन प्रकाश को शूटिंग में मिला। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा जो आपका प्लेयर है किससे रिलेटेड है। विजय सुरेखा आर्चरी से रिलेटेड है, खुशबीर कौर एथलीट से हैं, एक बार देख लीजिए यार, बहुत पढ़ना पड़ेगा नहीं तो। ध्यानचंद अवार्ड है, ये 3 लोगों को मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स को और सैयद शाहिद हकीम फुटबॉल को, ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लो यार थोड़ा बहुत पढ़ो यार। और ये पीडीएफ पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ मिलेगी। ये है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप, और यहीं पे सब कुछ मिलेगा इसका पीडीएफ वाला, और ये वाली पीडीएफ जो है भैया जी और बहनी जी फ्री में आए, तो ये सब मैं बता चुका हूँ, अभी आप देख लो एकदम। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार मिलता है 5 लाख रुपए का, 4 व्यक्तियों को मिला है। देखो ये है इसकी थोड़ी सी न्यूज, ये हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो आप करते हैं, एडवेंचर कर देते हैं, जब कटाई जहर एडवेंचर करना पड़ेगा आपको लैंड सी और एयर में, तब मिलेगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ही देती है। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये ट्रॉफी 2016-17 की मिली थी पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को। देखिए ये भी हम लोगों ने देखा था इधर, ये शायद इधर मैं लास्ट में बताना भूल गया, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी, अच्छा इसमें नहीं है, चलो याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ये भी स्पोर्ट्स वाले में ही आती है, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को मिला ये। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला, 4 कैटेगरीज मिला, 4 श्रेणियों में मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न, और ये मैंने आपको बताया कि सी के ठक्कर की कमिटी बनाई गई थी, याद रखिएगा। फिर रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एक एनुअल प्राइस है, उसको जो पहले ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रोमन मैग्सेसे, उनके नाम पे दिया जाता है, ये गवर्नेंस रिलेटेड प्राइज है, बहुत सारी फील्ड में दिया जाता है। 59th में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 6 व्यक्तियों को मिला है ये, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है। ये बाकी आपको पीडीएफ मिली जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूईएफए के सर्वश्रेष्ठ डॉलर का प्राइज मिला है। देखिए ये अगर आप यूईएफए के टोटल प्राइस देख लें एक बार, वैसे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं, रियल मैड्रिड के हैं ये फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है इनको, और वुमेन्स वाला भी देख लीजिएगा, ली के मार्टिन्स को मिला है, और बेस्ट गोलकीपर का मिला है ग्यानुइलिंगी बैफून को मिला है, फेयर प्ले मिला है फ्रांसिस कोने को। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो आप देख लीजिए ये,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के जो है, गज यात्रा यानी कि हाथी यात्रा हुई थी, 12 अगस्त 2017 से हुई थी और हाथियों के संरक्षण के लिए हुई थी ये जो आपके हाथी सबसे ज्यादा हैं वहां पे 12 राज्य हैं वहां में अगले 15 महीने तक चलाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बस यही इन्फॉर्मेशन है, 15 महीने तक चलाया जाएगा गज यात्रा। अच्छा यहां से ये बताइए, अभी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एलिफेंट सेंसस हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा जो हाथी हैं वो किस स्टेट में, जल्दी से बताइए। भारत में, ब्राजील में भारत महोत्सव हुआ था 31 अगस्त से, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में 2350 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज दिया गया है। मुंबई में विदेश भवन का उद्घाटन किया गया है, ये मुंबई में इंडिया का सबसे पहला विदेश भवन खोला गया, जल्दी से ये याद रख लीजिएगा एकदम। देखिए ये है इससे रिलेटेड न्यूज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुषमा स्वराज ने पहला विदेश भवन मुंबई में स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसमें जो भी महाराष्ट्र में ऑफिस होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो सभी के सभी कहां पे लोकेटेड होंगे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये देखिए मेरे जो वीडियो होते हैं ना आप उनको पूरा देख के पढ़ लिया करो 3-4 बार। मैं मतलब कोई ऐसे क्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही जानते हो ये सब चीजें जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं। करीबन 90% से ज्यादा करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा आपको बिना किसी मैगजीन को पढ़े, जो मैं अभी लगातार चला रहा हूँ, जैसे प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर से लेके फरवरी तक दूंगा आपको, फिर मार्च की भी मिल जाएगी, और जो मेरा एक एक वीडियो आएगा करीबन 4-5 घंटे का जो मैं बना रहा हूँ, अभी 2-3 दिन और लगेगा उसमें, पूरी अच्छी तरीके से बना रहा हूँ लेकिन आरओ से पहले दे दूंगा, इतना तो है, ठीक है, वो देख लेना। और उस वाले वीडियो को आप ना आरआरबी के लिए भी यूज कर लेना, जो आप लोग रेलवे वाला एग्जाम देने जा रहे हो, मेरे हिसाब से तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इवन यूपीपीसीएस मेंस में भी वो वाला वीडियो यूज होगा। उसके बाद तो देखिए ना ये याद हो गया कि पहला विदेश भवन कहाँ पे, मुंबई में किया जाएगा और यूपीएससी में भी, ठीक है। वाघा सीमा पर पाकिस्तान ने 400 फुट ऊंचे झंडे का ध्वजारोहण किया है, 70th। देखो एक दिन पहले मनाता है पाकिस्तान, फिर उसका बाप मनाता है दूसरे दिन बाद, एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को इंडिया। फिर उसके बाद देखिए ये नाविक सागर परिक्रमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 सितंबर से चालू हुई है, गोवा से स्टार्ट हुई है, ये वो ओनली वुमेन वाला दल है जो पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट करेगा, ये इससे इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ये पीआईबी से उठाया है मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। नाविक सागर परिक्रमा पूरी दुनिया को घुमाएंगे ये, मतलब घुमाएंगी हमारी महिलाएं, आईएनएसवी तारिणी के द्वारा जो वुमेन नेवल ऑफिसर्स हैं, पूरी टीम ये महिलाओं की ही है, और इसमें ये पहली इंडियन सरकम नेविगेशन है जो पूरी ऑल वुमेन टीम है ये, ठीक है। ये जो आईएन तरणी है ये बहन है मतलब बहन नहीं है, सिस्टर विजल है आईएनएसवी मधेई की, और वैसे पूरे इंडिया का जो पूरी दुनिया का मतलब सरकम नेविगेशन है कर चुके हैं पहले भी, 2009 में किया था लेकिन पूरा वोमेन नहीं था वो, कैप्टन दिलीप दोंडे ने, और फिर ये देखिए आईएनएसवी मधेई से किया था ये, ठीक है पहला। फिर ये नॉन स्टॉप किया गया था आपका 2013 में, कर्नल सॉरी ये कैडर अभिलाष टोमी ने, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल वुमेन है इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोवा से लेके स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आईएनएसवी महादेई की सहयोगी पोत है, मतलब बहन है उसकी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी इसकी मेन है, मतलब प्रमुख है इसकी, कुल 6 महिला अधिकारी हैं इसमें, वापसी होगी 4 अप्रैल 2018 को, और इसमें राशन खाने पीने का सब जगह है, वैसे तो 4 बार लेकिन ये लोग ठहराव करेंगे, गोवा से ये लोग स्टार्ट करेंगे और फिर 4 जगह देखो स्टॉप है इनके, इतनी डिटेल तो कोई नहीं पूछेगा लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए कि मतलब 4 जगह स्टॉप करेंगे। पहली बार मैंने आपको बताया कैप्टन दिलीप दोंडे ने आईएनएसवी महादेवी सॉरी महादेई से की थी स्टार्ट, और 2009 में की थी, फिर पहली बार नॉन स्टॉप वाली भी मैंने बता दी 2013 में हुई थी, इंदिरा कैंटीन, फिर ये हो गई, ये न्यूज हो गई खत्म। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी कर्नाटक में तालुक और डिस्ट्रिक्ट है हर जगह हेडक्वार्टर में इंदिरा कैंटीन स्टार्ट की जाएगी, 5 रुपल्ली में मिलेगा उसमें नाश्ता और 10 रुपल्ली में मिलेगा भोजन। खेल कूद की कुछ न्यूज है, ये 16वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 ये हुई थी आपकी लंदन में, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, करीबन 25 गेम में किया लेकिन एक भी पदक नहीं जीत पाए हम लोग, 150 देशों की थी एथलेटिक्स में एक भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा पदक मिले हैं अमेरिका को, 10 स्वर्ण मिले हैं। देखिए ये है हमारी, देखो जो ये मैं बना रहा हूँ पूरी पीडीएफ, इसमें देखो ये सब चीजें मैंने बताई हैं, ये काफी बड़े मतलब अच्छी तरीके से बना रहा हूँ ये वाली पीडीएफ, अगर आप ये वाला जब मैं वीडियो बनाऊंगा 4-5 घंटे का बनेगा, उसमें कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो
आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा अभी बाकी इसमें। फिर ये देखिए, तो ये जो एथलेटिक्स वाली हुई थी उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका ने जीते, इंडिया ने कुछ नहीं जीता, लंदन में हुई थी बस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डोपिंग के चलते रूस पे प्रतिबंध लगा दिया गया तो इनको भागने नहीं दिया गया, मतलब भाग नहीं ले पाए, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देख चुके थे हम लोग कि ये जो आपका है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में इंडिया ने कोई पदक नहीं जीता था और अमेरिका ने 10 स्वर्ण जीते हैं, और इसका जो अगला वाला होगा वो 17वां होगा दोहा कतर में। इस बार कौन सा हुआ था, 16वां हुआ था, ठीक है। फिर यूरोपियन सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था आपका रियल मैड्रिड स्पेन में, सॉरी यूरोपियन जो सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट उसको जीता कौन था, रियल मैड्रिड स्पेन का है जो हराया था इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को। फिर मोइन अली इंग्लैंड के हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 43rd हैट्रिक मारी है, और ये दक्षिण अफ्रीका के या तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारी है। टेनिस का ये कुछ इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है, रोजर कप हुआ था कनाडा ओपन, 128वां हुआ था, पुरुष में जीता है कौन, ये अलेक्जेंडर ज्वेरेन जर्मनी, और महिला में जीती है एलिना स्वितोलिना यूक्रेन की। हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ये विश्व का सबसे पुराना जो है टेनिस टूर्नामेंट है, वेस्टर्न, और ये सदर्न ओपन है, ये सिंसिनाटी मास्टर, इसमें भी ग्रिगोर दिमित्रो ने जीता था, महिला एकल गार्बिना मुकुरुजा ने जीता था। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर 7 बार जीत चुके हैं। देखिए मेन चीज ये है कि जो भी टेनिस वाले हैं, जो 4 जो ग्रैंड स्लैम है वो जरूर याद रखा करिए, ये तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, एक बार देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आ ही गया जाए तो फिर याद रहे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था 2017 का, 23वां आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और पुरुष एकल जीता है विक्टर एक्सेल सेन ने डेनमार्क के, और महिला का जीता था नोजोमी ओकुहारा ने जापान में, ठीक है। ये जीती थी पीवी संधु, जीती हैं इसकी उप विजेता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017। फिर भारत की ये साइना नेहवाल ने इसमें कांस जीता है, ठीक है। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में 23वां हुआ था, उसमें इंडिया की तरफ से रनर अप भी पीवी संधु रही हैं और साइना नेहवाल रही हैं 3rd नंबर पे कांस्य पदक। स्क्वैश में जो सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी 74वीं, इसमें पुरुष एकल जीता सौरभ घोषाल ने, महिला एकल जोशाना चिनप्पा ने। मुक्केबाजी में है फ्लॉयड मेवेदर अमेरिका की जीती हैं ये, ठीक है, और 9 बार इन्होंने ये पहले इसमें रिकॉर्ड था एक्चुअली, इससे ये अमेरिकी जो मुक्केबाज है रॉकी मार्सियानो उनका 49 बार रिकॉर्ड था, इन्होंने लगातार 50 बार बनाया है ये फ्लॉयड मेवेदर अमेरिका की है मुक्केबाजी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50 बार रिकॉर्ड बनाया है, दूसरी बात इसे किससे रिलेटेड है, मुक्केबाजी से है अमेरिका की। फिर विश्व पुलिस एवं फायर गेम 2017 में जो हुए थे वो हुए थे लॉस एंजल्स अमेरिका में, और अगले वाले जो होंगे चेंगडू चाइना में होंगे। तो इसमें होस्ट भी बस आपको याद रखना है कि विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो आपके 2017 में हुए थे लॉस एंजल्स में हुए थे, और 2020 में आपके सॉरी 2019 में होंगे चेंगडू चाइना में। 3rd पार्ट में करते हैं बाकी, देखिए थोड़ा इसमें प्रतियोगिता दर्पण में कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरा लगभग नवंबर और दिसंबर कंप्लीट करा दूं, फिर एक पार्ट और कर लेंगे, 4 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।